विच ऑफ द सेल गिव शेप विच ऑफ द फॉलोइंग गिव शेप टू द सेल, निम्नलिखित में से कौन कोशिका को आकार देता है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका को आकार देता है। तो पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं, ये आपकी हो गई सेल वॉल, राइट। सेल वॉल के अंदर ही आपकी क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर टाइप के सेल में मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया बीच में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जबकि न्यूक्लियस भी आपका सेंटर में होता है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आपको पता है जो सेंटर के अंदर जो चीजें हैं, ठीक है, वो तो आपको शेप दे नहीं पाएंगी, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से तो आएगा नहीं शेप और ना ही न्यूक्लियस से आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। देखो अगर हम वैसे अगर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे सेल वॉल आंसर लगा देते, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेल वॉल आंसर लगाते, क्योंकि आपको पता है सेल वॉल एनिमल सेल में तो एबसेंट होती है, तो एनिमल सेल का तो कोई शेप ही नहीं आना चाहिए फिर, राइट। तो इसलिए हम यहां पे आंसर क्या लगाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे सेल वॉल भी जो होती है वो एनिमल को शेप देती है, एनिमल सेल को, सॉरी प्लांट सेल को शेप देती है, लेकिन यहां पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेल वॉल लगाते हैं तो जो एनिमल सेल हो जाएगा हमारा, उसका तो फिर कोई शेप ही नहीं रहेगा, राइट। तो आप यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा सकते हो। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट, प्लांट्स में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है और फंगाई में मिलती है सेल वॉल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर टाइप के सेल में मिलेगी। ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिटेल में बाद में बताऊंगा किसी दिन, राइट। तो याद रखिएगा शेप ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव शेप टू द सेल, तो राइट आंसर आपको क्या देना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन